हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गुड़िया स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गुड़िया जानवी पे। और फ्रेंड्स, आज का जो मैं वीडियो आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, और मुझे प्रभा जी ने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि मैं उनके लिए एक हैंकी टैंकी का वीडियो बनाऊँ। और इससे पहले भी मैं एक हैंकी टैंकी का वीडियो बना चुकी हूँ, जो मैंने हेयर पे टक किया था अपना हैंकी। तो आज भी मैं कुछ न्यू स्टाइल लेकर ही आप लोग के साथ आई हूँ। तो आई होप वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलो बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। तो मेरा फर्स्ट आप कुछ इस तरीके से आपको हैंग ले लेना है, और इसे ट्रायंगल करके आपको जो फोल्ड कर लेना है। देन उसके बाद आप अपने जो है हेयर पे इसे इस तरह से रख के और टक कर लें, पिन की हेल्प से इसे सिक्योर कर लें अच्छे से। और बस आपका ये फर्स्ट लुक कंप्लीट हो जाता है। ये देखने में बहुत ही एलिगेंट लगता है, काफ़ी खूबसूरत लुक लगता है। और इस तरीके का आप देख सकते हैं 60-70 के दशक में काफ़ी लोक प्रचलन में था। अभी भी लोग हैंकी टकिंग इस तरीके से करते हैं और करना पसंद करते हैं। बस आप अपने हेयर को इस तरह से ओपन कर लें तो ये लुक काफ़ी खूबसूरत आता है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। देन मेरी सेकेंड जो लुक है वो इस तरह से, आपको एक बड़ा सा हैंकी लेना है और इसे इस तरह से ट्राइंगल करके फोल्ड कर लेना है। उसके बाद आपको अपने जो है हेयर बन पे इसको इस तरह से रख के और सिक्योर कर देना है अच्छे से। आपको नॉट लगानी है, और जो आपके थोड़े से ओपन बाल हैं, मैंने यहाँ पर हेयर बन के साथ साथ कुछ ओपन बाल भी रखे हुए हैं, अपने हेयर को रखा है, तो हेयर को आप थोड़ा सा जो है फैला दीजिए, तो एक अच्छा सा लुक आपका रेडी हो जाता है। और आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत लुक ये भी आपका आता है। देन आप चाहें तो आगे से साधना कट हेयर स्टाइल भी कर सकते हैं या साइड पार्टीशन भी कर सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से भी इस लुक को कंप्लीट कर सकते हैं। और मैंने इस लुक को फुल हेयर बन के साथ भी कंप्लीट किया हुआ है। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को इसमें से कौन सा स्टाइल ज़्यादा पसंद आया। देन मैंने यहाँ पे किस तरीके का स्कार्फ ले लिया है, और उसे लेकर आपको इस तरह से आपके अपने जो हाफ हेयर हैं उस पर इस तरह से आपको टक कर लेना है एक नॉट लगा के। तो ये लुक भी बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही गॉर्जियस लगता है। आप इसे किसी के साथ भी वेयर कर सकते हैं, साड़ी के साथ, सूट के साथ, जींस के साथ, और आप चाहें तो शॉर्ट के साथ भी इसे जो है वेयर कर सकते हैं। काफ़ी एलिगेंट लुक लगता है ये भी देखने में, और बहुत ही खूबसूरत आता है। काफ़ी बड़े इयररिंग के साथ अगर आप इसे वेयर करें। देन उसके बाद आपको इस तरीके से एक हैंकी ले लेना है। तो ये मेरी थर्ड थी और ये मैं बता रही हूँ आपको फोर्थ स्टाइल। तो इसे लेकर आपको कुछ इस तरीके से वेयर करना है, और इस तरह से वेयर करके आपको एक नॉट लगा लेनी है टाइट सी। उसके बाद ऐसे हम ऊपर की ओर फोल्ड कर देंगे। तो ये लुक आप देख सकते हैं कि इसे ऐश्वर्या राय ने भी अपनी एक मूवी में किया हुआ है, मूवी का नाम जोश में शायद, और इस तरीके का लुक प्रिया गिल ने भी किया हुआ है। तो कई इस तरीके की ये जो हीरोइंस हैं वो भी इस तरीके के हैंकी टकिंग काफ़ी हेयर पे करती हैं, और ये काफ़ी अच्छा लगता है ये लुक। आप अगर मैं बोलूं तो जैसे बीच पर जो लोग जाते हैं तो उनके साथ ये लुक काफ़ी अच्छा जाता है, उस ड्रेस के साथ में ये लुक काफ़ी अच्छा जाता है। आप प्रिंटेड ड्रेस पहने, शॉर्ट पहने या जींस के साथ भी वेयर कर सकते हैं, तो काफ़ी देखने में अच्छा और काफ़ी खूबसूरत लुक आता है ये कुछ इस तरीके से। तो ये थी मेरी फोर्थ स्टाइल। देन आपको इसी तरीके से फिर से अपना हैंकी फोल्ड कर लेना है, और इसे थोड़ा सा हम जो है थिन करेंगे, यानी कि पतला शेप लेंगे, और इसे इस तरह से हम जो है पीछे एक नॉट लगा के कवर कर लेंगे। तो ये आपका एक कैप स्टाइल वाला जो हैंकी टकिंग हो जाता है हेयर के साथ में, तो जैसे लगेगा कि आपने कैप लगाई हुई है। तो कुछ इस तरीके का लुक आप ये कर सकते हैं। ये जो है शॉर्ट वाली जो स्कर्ट आती है उसके साथ, या शॉर्ट जो नेकर आती है जींस वाली उसके साथ भी आप कर सकते हैं। देन मेरा ये सिक्स स्टाइल है। आप इस तरह से हैंकी को ले लीजिए और अपने ईयर के साथ इसे अच्छे से कवर करते हुए टक कर लेना है कुछ इस तरीके से। आपको एक नॉट लगानी है और फिर नाट को घुमा के अंदर की ओर फोल्ड कर देना है। तो ये लुक भी आप बहुत अच्छा लगता है देखने में। ये आप जो है एथनिक जो ड्रेसेस होती हैं उनके साथ अगर इस लुक को आप कंप्लीट करें तो ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। आप चाहें तो इस तरह से अपने जो हेयर हैं आप उसके साथ इनको जो है राउंड अप कर लें, और इस साथ में पिनअप करके इस तरह से भी आप ओपन करके छोड़ सकते हैं, और चाहें तो आप इसका पूरा बन बना के भी छोड़ सकते हैं। ये लुक रेखा जी की एक मूवी थी, मैंने उसमें देखा हुआ था। उन्होंने जो किया था वो स्कार्फ नहीं बल्कि दुपट्टे के साथ शायद उन्होंने इस लुक को कंप्लीट किया हुआ था।
मांग भरो सजना कुछ ऐसे ही पिक्चर का नाम था उनका, तो उसमें मैंने देखा था काफ़ी अच्छा लुक लग रहा था। और आप चाहे तो फुल बन के साथ भी, हेयर बन के साथ इस लुक को कंप्लीट कर लें, तो ये भी देखने में काफ़ी खूबसूरत और गॉर्जियस लुक लगता है। उसके बाद मैं बता रही हूँ कुछ दुपट्टे के साथ में अपनी हेयर स्टाइल, आप दुपट्टे के साथ किस तरीके से कर सकते हैं, और इसमें मैं कई सारी हेयर स्टाइल बताऊंगी, 3 से 4 हेयर स्टाइल आपको मिल जाएंगी। इसमें आपको अपने पूरा हेयर बन बनाना है, उसके साथ में इस तरह से दुपट्टे को वेयर कर लेना है। ये लुक भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये 60 से 70 के दशक में काफ़ी प्रचलन में था, बहुत पुरानी हीरोइनें जो थी इस लुक को काफ़ी अच्छे से वेयर करती थी। ये सूट के साथ और जींस के साथ बहुत अच्छे से जाता है। आप चाहें तो इस तरह से गले में दुपट्टे को जो है राउंड अप करके भी इस लुक को कम्प्लीट कर लें। इसके साथ ज्वेलरी में आपको रिंग ही पहननी है, जो ईयर रिंग आती है, तो उसके साथ ये लुक ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद आप चाहें तो दुपट्टे को इस तरह से फोल्ड करके पूरा जो है राउंड अप कर दें अपने हेयर के साथ में, तो एक बड़ा सा हेयर बन लगेगा आपका बना हुआ है। और एक साइड का आप अपना जो दुपट्टा इस तरह से रख लें, और बहुत ही गॉर्जियस जाता है इसे आप सूट के साथ, तो बहुत ही खूबसूरत लुक लगता है ये भी, कुछ इस तरीके से ये आ जाता है। देन आप चाहें तो इसे इस तरह से जैसे कि मोहरा पिक्चर में डाली हुई थी टंडन ने, तो इस तरह से भी इस लुक कंप्लीट कर सकते हैं। तो दुपट्टे के साथ आप डिफरेंट डिफरेंट जो है हेयर लुक कर लें, और वो लुक काफ़ी अच्छे लगते हैं, काफ़ी खूबसूरत लुक लगते हैं। और हर ड्रेस के साथ आप इसे कर सकते हैं, साड़ी छोड़ के, साड़ी के साथ ये लुक नहीं अच्छा लगेगा, तो साड़ी के साथ कभी भी इस लुक को वेयर ना करें। तो ये थे मेरे कुछ डिफरेंट डिफरेंट से हेयर टेकिंग के लुक, आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसे लगे। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे बताइएगा, और कोई सजेशन हो तो मुझे जरूर दीजिएगा, कोई रिक्वेस्टेड वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए लव यू वॉचिंग, आई लव यू, बाय बाय फ्रेंड्स।